फिर टेक्नीशियन नहीं खुला तो टेक्नीशियन लॉकर तोड़ा, मैं देख रही हूँ कि अंदर उसमें कुछ नहीं है। और वो लॉकर मैं 2022 में मैं लास्ट ऑपरेट की थी मई में, उस टाइम मेरा सारा मतलब गोल्ड जो था रखा सब सही था। अभी मैं 19 सितंबर को आके फिर से चेक करी तो मेरा लॉकर नहीं खुला उस चाबी से। मुझे न्याय चाहिए क्योंकि 4 दिन से मैं इधर भटक रही हूँ, अभी तक मेरा FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। सोए हैं तो जाग जाइए, कहीं आपका भी सोना लॉकर में है तो इस खबर को देखें और समझ जाइएगा कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नींद से जागिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। लगातार 2017 से एक महिला एक लॉकर में सोना रखा करती थी, अचानक जब महिला पहुंचती है तो लॉकर से सोना गायब हो जाता है। 25 तोला सोना गायब का मामला गया से निकलकर सामने आया है, जो सुनकर सभी हैरान हैं। गया जिले के एक महिला 2017 से केनरा बैंक के लॉकर में लगातार सोना रखते हुए आ रही थी। वो सोच रही थी कि घर से ज़्यादा सेफ बैंक में ही रहेगा, लॉकर में सोना सेफ रहेगा। लेकिन महिला को क्या पता था कि बैंक के ही लॉकर से उनका सोना गायब हो जाएगा। अब महिला परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रही है, बैंक कर्मी परेशान है, मैनेजर परेशान है कि आखिर क्या हुआ भाई। 2017 से महिला लगातार सोने अपने गहने जेवरात बैंक में जमा कर रही थी, उसे क्या पता था कि बैंक से अचानक गायब हो जाएगा। मामला प्रकाश में आते ही महिला स्थानीय थाना पहुंचती है और इसकी लिखित शिकायत करती है। CCTV फुटेज खंगाला जा रहा, लेकिन सवाल उठता है कि बैंक के लॉकर से आखिर सोना गायब कहाँ हो जाता है। किसी भी कस्टमर का जो विश्वास कर बैंक में अपना जेवर सोना गहने रखते हैं और बैंक से ही गायब हो जाएगा, तो आखिर आश्चर्य की बात तो होगी। पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा वो सुनिए। मैं वंदना कुमारी, पति गुंजन कुमार सिंह, ग्राम बाली कोच थाना में आता है। क्या बात क्या हो गई आपके साथ? सर मेरे साथ लॉकर फ्रॉड हुआ है सर। मेरा केनरा बैंक में एक अकाउंट था, लॉकर था, और वो लॉकर मैं 2022 में मैं लास्ट ऑपरेट की थी मई में, उस टाइम मेरा सारा मतलब गोल्ड जो था रखा सब सही था। उसी टाइम में एक फॉर्म भरने के दौरान मैं अपना चाबी और पर्स काउंटर पर रखी, उसी टाइम मेरा चाबी चेंज कर दिया गया। अभी मैं 19 सितंबर को आके फिर से चेक करी तो मेरा लॉकर नहीं खुला उस चाबी से। मैनेजर सर बोले, चीफ मैनेजर, कि एक बार घर जाके चाबी चेक करके आइए, हो सकता है दूसरा हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा चाबी यही बैंक के द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं उनके कहने पर घर गई कि ठीक है देख के आते हैं, लेकिन घर में कोई दूसरी चाबी नहीं थी। मैं फिर से 21 सितंबर को आई यहाँ बैंक में, लेकिन सर फिर से ट्राई किया, नहीं खुला। फिर सर बोले कि ठीक है, से टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, देखते हैं क्या, 25 मई को आप आइए, टेक्नीशियन बुलाएंगे, लॉकर तोड़वाना पड़ेगा आपका। फिर मैं 25 मई को आई, टेक्नीशियन भी खोला वाला नहीं खुला। टेक्नीशियन देखते ही बोल रहा है, मैडम चाबी पहले से घिसा हुआ है, अलमीरा का ही चाबी है लेकिन घिसा हुआ है। तो मैं फिर टेक्नीशियन नहीं खुला तो टेक्नीशियन लॉकर तोड़ा, मैं देख रही हूँ कि अंदर उसमें कुछ नहीं है। कितने का लॉस हुआ? मेरा 250 ग्राम गोल्ड था सर, और एक डायमंड रिंग था उसमें। कितने की होगी सर? अभी तो मेरा वो 10 साल पहले का खरीदा हुआ था, लेकिन अभी तो अभी के डेट में तो उसका ज़्यादा होगा ना सर, अभी सोना महंगा हो गया। अमाउंट वैल्यू 15 लाख से ऊपर का ही होगा सर, 250 ग्राम है मेरा सोना। अभी मैं मेरा मायका है यहाँ पे, यहाँ मैं अपने भाई के पास आई हूँ, मेरे कर यहाँ मैं SSP सर से मिलने आई हूँ, क्योंकि सर नहीं सर बोले कि निष्पक्ष जांच होगा, इसमें थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि मैं 4 दिन से इधर उधर भटक रही हूँ, अभी तक मेरा FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। बैंक में जमा किए थे? केनरा बैंक मेन ब्रांच GB रोड में। वहाँ का प्रशासन क्या बोल रहा है? बैंक प्रशासन बोल रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई होगा, किल भी है इसमें। हस्बैंड एयरफोर्स में सर, गुंजन कुमार सिंह। प्रशासन से क्या मांग? पुलिस प्रशासन से मांगे, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि 4 दिन से मैं इधर उधर भटक रही हूँ, अभी तक मेरा FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। चाबी बैंक की तरफ से ही बदला गया है, और बैंक की तरफ से बदला गया, और रजिस्टर में भी 115 ओवरराइटिंग किया गया है जी सर। और जो लास्ट जिनका लॉकर बंद क्लोज करके मुझे जो मिला है,
सर ने वहाँ भी चेक किया कि वहाँ देखते हैं क्या, तो वहाँ भी चाबी नंबर फाड़ा हुआ है। बैंक के मिली भगत से हुआ है? हाँ सर, बैंक के मिली भगत से हुआ है, क्योंकि बिना बैंक के मिली भगत से मास्टर चाबी बिना लगाए कौन ऑपरेट कर सकता है बैंक? सीसीटीवी क्या? नहीं सर, बोल रहे सीसीटीवी 2 साल का हो गया नहीं मिलेगा। मैं बोली सर सीसीटीवी निकलवाई तो बोले 2 साल का हो गया है नहीं मिलेगा।